So good morning. बेटे, we have already started with this topic, ways to fund startup. इसमें हमने bootstrapping कर ली है. Bootstrapping means self-financing. आप अपने funds अपने business में invest करते हैं, उसको bootstrapping कहते हैं. So इसका एक बहुत बड़ा benefit ये होता है कि आपने क्योंकि अपनी personal savings invest की है, you are more tied to your business. ठीक है, अगर आप बाहर से पैसा लेते हैं तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट की है, यू आर मोर टाइड टू योर बिजनेस. यू विल बी इन्वेस्टिंग मोर टाइम एनर्जी इनटू योर बिजनेस. आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करना चाहेंगे. सेकेंडली, लेटर ऑन स्टेज पे अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, उसके लिए आपको अब कैपिटल की जरूरत है, तो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं आपके, उनको ये एक मेरिट लगेगा कि हाँ, आपने ये बिजनेस अपने पैसों से स्टार्ट किया हुआ है. ठीक है, सेकंड है क्राउड फंडिंग. इट इज द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ कॉमन गोल. ठीक है, तो क्राउड फंडिंग आजकल ज्यादातर नेट इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे हम एक कंपनी जो है, जो स्टार्टअप है, जिसको पैसों की जरूरत है, वो इस तरह से लोगों को अपील की तरह करती है कि हाँ, हमारा ये बिजनेस है, ये हमारा टॉप बिजनेस मॉडल है, ये हम एक स्टार्टअप सेटअप करना चाहते हैं जिसके लिए हमें फंड्स की जरूरत है. सो दोज पीपल हु हैव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, दे विल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस. जिस तरह से हमने पढ़ा ना पब्लिक डिपॉजिट्स, है ना, उसी तरह से वो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी, अब ये स्टार्टअप है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है. तो इसमें हम इंटरनेट पे लोगों को अपील कर सकते हैं, एंड मेनी पीपल विल इन्वेस्ट इन अवर बिजनेस. तो क्योंकि छोटे छोटे रिसोर्स का, थोड़े थोड़े फंड्स हमें अलग अलग लोगों से पूल हो गए, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्राउड फंडिंग. ठीक है, सो थर्ड है बेटे एंजल इन्वेस्टमेंट्स. एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास सरप्लस फंड्स पड़े हैं. लाइक आई गेव यू एन एग्जांपल के मूवी, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस, दे हैव लॉट्स ऑफ सरप्लस फंड्स विद देम, सो दे वांट टू इन्वेस्ट इन कंपनीज, क्योंकि उनको लगता है कि हमें खुद तो बिजनेस की इतनी नॉलेज नहीं है. कई बार बिजनेसमैन भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दे दी कि हाँ, बॉलीवुड एक्टर्स तो वही एंजल इन्वेस्टर्स है, ऐसा कुछ नहीं है. It could be anyone, ठीक है? I am retired person, I have lot of money at my disposal, मुझे retirement के बाद बहुत पैसा मिला है, अब मैं उसको कहाँ invest करूँ? तो मुझे किसी ने कहा कि हम ऐसे ऐसे PG खोलने जा रहे हैं, startup है हमारा, ये PG का startup है, या कोई भी है ना, तो I may show interest, मैं उनका सारा project सुन के मुझे अगर लगा कि हाँ, इसमें you know अच्छा scope है, मुझे अच्छी return आएगी, तो I can invest. ठीक है, सो जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, इफ दे बिलोंग टू बिजनेस, दे कैन यू नो गाइड देम, गाइड भी कर सकते हैं, जिनका स्टार्टअप है उनको मेंटोरिंग भी उनकी कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम उनके फाइनेंशियल्स चेक करते रहते हैं. ठीक है, ये देखने के लिए कहीं उनका पैसा तो नहीं डूब जाएगा, इसके फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हैं कि नहीं, अच्छी रिटर्न्स आ रही है इसको कि नहीं. देन देयर इज अ वेंचर कैपिटल. बेटे, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो इंडिविजुअल्स होते हैं. जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, दीज आर प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स विच आर इन्वेस्टेड इन कंपनीज दैट हैव ह्यूज पोटेंशियल. सो वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग हैं जिनका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है. देयर बिजनेस इज टू इन्वेस्ट मनी इन द कंपनीज. तो अगर एक स्टार्टअप है तो उसको वेंचर कैपिटल की जरूरत है. तो बेटे, ये लोग क्या करते हैं, जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, है ना, इनके पास फंड्स हैं, ये कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक इवेंट रख लेते हैं, किसी होटल में इवेंट रख लिया, तो वहां पे ये अलग अलग, या न्यूज़पेपर में या इंटरनेट पे वो डाल देते हैं कि इस सो एंड सो डे यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ, यू कैन एक्सप्लेन योर बिजनेस मॉडल and we are ready to invest. So let us say 100 kuch startups aa gaye apna project leke, apni presentation leke, har ek ne apni presentation di,
तो ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, इनको जिनका प्रोजेक्ट पसंद आया उसमें ये इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। इन रिटर्न दे आस्क फॉर इक्विटी। अगर मैंने सपोज करो 50 लाख रुपया डाला किसी कंपनी में, तो मैं बोलूंगी कि मुझे आपकी कंपनी के 50 लाख के बराबर के शेयर्स चाहिए। सो इन रिटर्न दे आस्क फॉर इक्विटी। दे ऑल्सो प्रोवाइड एक्सपर्टीज, मेंटोरशिप एंड एक्ट एज अ लिटमस टेस्ट ऑफ वेयर द बिजनेस इज गोइंग। बिजनेस कहाँ जा रहा है वो ये टाइम टू टाइम स्टडी करते रहते हैं, ठीक है, और बिजनेस की इवैल्यूएशन करते रहते हैं। फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या ये बिजनेस लॉन्ग रन में सस्टेन करेगा या नहीं सस्टेन करेगा, ठीक है, ये इवैल्यूएट करते रहते हैं। कैसे इवैल्यूएट करते हैं बेटे, दीज आर एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन, दे नो हाउ टू रीड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आगे जाके प्लस टू में आप कंपनी के अकाउंट्स के बारे में पढ़ोगे, कंपनी की बैलेंस शीट, ठीक है, और कंपनी की डिफरेंट रेशियोज होती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, उन सबको स्टडी करके ये देखते हैं कि ये कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्या ये कंपनी सस्टेन करेगी लॉन्ग रन में, और स्केलेबिलिटी पॉइंट से भी उसको एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, यानी कल को क्या इसका स्केल एनलार्ज होगा या नहीं, ठीक है। सो ये होते हैं वेंचर कैपिटल। आगे देखते हैं बिजनेस इनक्यूबेटर्स एंड एक्सलरेटर्स। सो हर स्टेज पे बिजनेस किसी भी स्टेज पे हो, इनक्यूबेटर्स एंड एक्सलरेटर्स दे आर कंसिडर्ड एज अ गुड फंडिंग ऑप्शन। ये जो प्रोग्राम्स हैं इनक्यूबेटर्स एंड एक्सलरेटर्स जनरली गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होते हैं, और हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स ये एवरी ईयर फंड करते हैं। इनक्यूबेटर्स एंड एक्सलरेटर्स जनरली हम इंटरचेंजेबली भी यूज कर लेते हैं, बट इसमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंस ये है। दीज आर लाइक अ पेरेंट टू अ चाइल्ड, ठीक है, छोटे बच्चे के एक पेरेंट्स, जब बच्चा ब्रिंग व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न ही नीड्स टू बी यू नो लर्न टॉट एवरीथिंग, उसको सब कुछ, उसको चलना बोलना सिखाना पड़ता है, ठीक है। तो इनक्यूबेटर्स इनिशियल स्टेज में स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं और उस स्टार्टअप को चलना सिखाते हैं, समझ गए, मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट्स किस तरह से अपने बिजनेस में से निकालने हैं ताकि वो बिजनेस अपने दम पे चलना शुरू कर दे, दैट इज डन बाय दी इनक्यूबेटर्स। सो एक्सलरेटर्स जो है, मतलब इनक्यूबेटर जो है वो यू नो फ्रॉम अ यंग व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, पैदा होता है बच्चा, टू इट्स यू नो इन्फेंटशिप, 3-4 सालों 5 सालों तक उनकी हेल्प करते हैं, और जब वो बच्चा एडोलेसेंस से एडल्ट एज में जा रहा है तो एक्सलरेटर्स, मतलब इनक्यूबेटर बिजनेस को चलना सिखाते हैं और एक्सलरेटर्स जो है उसको जायंट लीप किस तरह से भागना है ये सिखाते हैं, ठीक है। सो बोथ आर बेसिकली वेज ऑफ फंडिंग बिजनेस। तो यहां पर भी जहां जब इनक्यूबेटर से आप फंड्स लेते हैं, इनक्यूबेटर्स टेक्नोलॉजिकली भी उनको गाइड करता है, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी को इनको इंट्रोड्यूस करता है, नए रॉ मटेरियल में उनको इंट्रोड्यूस करता है, से इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। सो दिस इज अनदर वे ऑफ फंडिंग स्टार्टअप। लास्ट इज माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसी। एनीवन अवेयर ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ एनबीएफसी? दीज आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। बैंक्स क्या होते हैं, जो कि दो मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड एडवांस लोन्स। ऑन द सेम लाइंस आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन दीज आर नॉन बैंकिंग, मतलब
ये कोई एक काम परफॉर्म करती हैं, जनरली दे एडवांस फंड्स, लोन्स देती हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है बेटे, जब माइक्रो मींस स्मॉल स्केल पे, तो जब आपके बिजनेस को और कहीं से फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल हो रही, तब वो ऐसा जनरली तब होता है जब स्टार्टअप बहुत स्मॉल स्केल पे शुरू हो रहा है और लोग उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है, ना क्राउड फंडिंग हो पा रही है, ना ही कोई एंजल इन्वेस्टर्स उनमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो उस केस में बच्चे माइक्रो फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग मीन्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेस को मिल जाती है एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जो बिजनेसमैन कमर्शियल बैंक्स तक जिनका एक्सेस नहीं है, अब कमर्शियल बैंक के पास आप लोन लेने के लिए जाओगे, वो आपके वही फाइनेंशियल्स देखेगा, यानी वो देखेगा कि आपकी स्टॉक कितना है आपके पास, एसेट्स कितने हैं, हाँ, लेकिन कोई आपके पास एसेट नहीं है मॉर्गेज करने के लिए, तो बैंक आपको लोन देने से रिफ्यूज कर देगा, या बैंक को लगता है कि आपके प्रोजेक्ट में दम नहीं है, या बैंक को लगता है कि आप रीपेमेंट नहीं कर पाओगे, बैंक विल रिफ्यूज, ठीक है। तो उस केस में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और कॉरपोरेशंस, दे प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज विदाउट मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो मतलब आपको कोई इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें जरूरत नहीं होती यहां से फंड्स लेने के लिए, ठीक है। दिस इज अबाउट फंडिंग स्टार्टअप। एक मेन क्वेश्चन बनता है, सिंपल क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ फंडिंग स्टार्टअप्स, ठीक है। सो दिस यू हैव टू मेमोराइज। कमिंग टू नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, सुना है आपने कभी ये वर्ड, सुना है? एक्चुअली दिस ओवर द लास्ट टू सेंचुरीज IPR इस स्टेचर के आ गए हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एवरीडे चेंज हो रही है। टेक्नोलॉजी में चेंजेस कौन लाता है? रिसर्चर्स लाते हैं, ठीक है। दे थिंक ऑफ एन आइडिया, व्हेन एन आइडिया टेक्स द एक्चुअल शेप, इट बिकम्स अ प्रोडक्ट, इट बिकम्स एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यू सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एवरीवेयर, अपने आसपास यू कैन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यू पीपल लिसन टू म्यूजिक, यू पीपल रीड बुक्स, यस, यू यूजिंग मोबाइल, द म्यूजिक विच यू लिसन टू, इट इज द क्रिएशन ऑफ समबडीज माइंड। आपको एक सॉन्ग अच्छा लग रहा है या एक म्यूजिक अच्छा लग रहा है, कोई धुन अच्छी लग रही है, आप क्या सेम म्यूजिक करके खुद वो सॉन्ग गा के अपनी एल्बम निकाल दो? क्या आप ऐसा कर सकते हो? इतना आइडिया, वेग आइडिया होगा आपको, कर सकते हो या नहीं, क्यों नहीं कर सकते वो बाद पे आते हैं। कैन यू डू दैट? किसी ने एक पेंटिंग बनाई, आपने उस पेंटिंग की कॉपी करके, कैन यू सेल इट? किसी ने नॉवल लिखा, बुक लिखी, स्टोरी लिखी, आप सेम स्टोरी अपने नाम देके नीचे, कैन यू डू इट? किसी ने एक नॉवल लिखा, आप एक मूवी डायरेक्टर हो, आप उस नॉवल के ऊपर मूवी बनाना चाहते हो, कैन यू डू इट विदाउट द परमिशन ऑफ द नॉवल राइटर? कोई एक मूवी बनी हुई है किसी टाइटल की, आप सेम टाइटल की मूवी बनाना चाहते हो, कैन यू डू इट? कोई इंडिपेंडेंट सिंगर ने अपनी एल्बम निकाली है, आप उसका सॉन्ग अपनी मूवी में डालना चाहते हो, क्या आप ऐसा कर सकते हो? नाइकी का एक ट्रेडमार्क है, लोगो है, स्वूश जिसको हम बोलते हैं, आप अपने शूज बनाना चाहते हो, आप सेम
साइन यूज कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते. व्हाई नॉट? ये जो चीजें मैंने अभी डिस्कस की, ऑल दीज आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन स्किल. कोई भी इन्वेंशन, आपकी मोबाइल का डिजाइन, कोई भी बुक, कोई सॉन्ग, कोई स्क्रिप्ट, कोई मूवी का टाइटल, कोई पेंटिंग, कोई नाम, कोई इमेज, कोई डिजाइन जो बिजनेस में यूज हो रहा है, ये सब इन्वेंशंस एक आइडिया से स्टार्ट होती हैं. जब ये आइडिया एक एक्चुअल प्रोडक्ट बन जाता है तो इसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो वंस इट बिकम्स अ प्रोडक्ट, इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड. इसको प्रोटेक्ट हमें करना पड़ेगा. अगर हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, मैंने एक सॉन्ग लिखा, मैंने इसके ऊपर कोई राइट नहीं लिया, आपने अपनी मूवी में सॉन्ग यूज कर लिया, ठीक है, लिखा मैंने, पॉपुलैरिटी आपको मिल गई, पैसे आपने कमा लिए, इजंट इट? मैंने एक मोबाइल का डिजाइन बनाया, सैमसंग ने मोबाइल का एक डिजाइन बनाया, वो ओप्पो ने चुरा के सेम डिजाइन या कार का डिजाइन बनाया, मारुति ने, हुंडई ने चुरा के सेम डिजाइन की कार मार्केट में निकाल दी, उनकी बिकने लग गई, हमारी अभी प्रोडक्शन स्टेज पे है या हमारी की डिमांड कम होगी. रिसर्च पे पैसे किसने लगाए? मारुति ने. पैसे कमा कौन रहा है? ये किसके माइंड की क्रिएशन थी? मारुति के रिसर्चर्स की. लेकिन हु इज अर्निंग मनी? हुंडई, ठीक है. सो विच मीन्स एवरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ इंटेलेक्ट. आपने अपने दिमाग से कोई चीज सोची, उस आइडिया को आपने एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, चाहे वो सॉन्ग है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे कोई वो प्रोसेस है, चाहे कोई भी डिजाइन है, एनीथिंग, चाहे वो कोई नाम ही है. लीगल राइट्स हैव टू बी कन्फर्ड अपॉन सच प्रोडक्ट्स और नॉट. इनको लीगली प्रोटेक्ट करना जरूरी है या नहीं? तो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जब हम लीगली प्रोटेक्ट करते हैं, लीगल राइट्स देते हैं उनको, इट बिकम्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? लीगल राइट्स कन्फर्ड ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी on such products which are the creation of our human mind. Is it clear? Legal rights conferred upon, bolo, legal rights conferred upon products of our intellect, of our mind. Theek hai? So, just like other property, जो intellectual property के owners हैं, वो अपनी property को sell कर सकते हैं. मेरे पास एक land है, वो मेरी क्या है? Physical property है. क्योंकि मेरे पास उसका सारा right है, मेरे पास उसकी registry पड़ी हुई है, समझते हो? Title, ownership के title पड़े हैं, जो कि ये प्रूव करते हैं कि मैं उनकी ओनर हूं. मैं चाहूं तो उसको रेंट पे दे सकती हूं, मैं चाहूं तो उसको बेच सकती हूं. यस, इसी तरह से मेरे इंटेलेक्ट की जो प्रॉपर्टी है, मैंने अपना दिमाग यूज करके एक बुक लिखी, ठीक है, अब मैं चाहूं तो उसको बेच सकती हूं उसके राइट्स, मैं चाहूं तो उसको सेल कर सकती हूं, ठीक है. सो
This is intellectual property rights, legal rights conferred upon the products of human mind. So let's see what are the various types of intellectual property rights. Number one, copyright. Copyright suna hai kabhi? Copyright is the right to not copy. I have written one book. मैं अपने लॉयर के पास गई कि भी ये मैंने बुक लिखी है, अब ये कोई भी मेरी बुक चुरा के प्रिंट करने लग जाएगा तो मेरे इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो मेरे लॉयर ने मुझे एडवाइस किया, आप इसके ऊपर कॉपीराइट ले लीजिए। मेरे पास अगर मेरी बुक का कॉपीराइट है, इसका मतलब मेरी बुक को कोई कॉपी नहीं कर सकता। इट इज अ राइट टू नॉट कॉपी। यू पीपल रीड मैनी बुक्स। आप अकाउंट्स की कौन सी बुक पढ़ते हैं? कल्याणी पब्लिशर्स की, सीएम जुनेजा की। इस ऑथर ने बुक्स लिखी, ठीक है, और इसके ऊपर कॉपीराइट लिया और कल्याणी पब्लिशर्स को राइट दे दिया, यू कैन पब्लिश माय बुक एंड अर्न मनी ऑन दैट। इन रिटर्न फॉर दैट यू विल हैव टू गिव मी रेंट। जब हम बुक्स को लिखने के लिए या बुक परमिशन देते हैं, जिस तरह से बेटे लैंड मेरी प्रॉपर्टी है, मैं आपको कह रही हूं मेरा लैंड यूज कर सकते हो आप, उसके ऊपर प्रोडक्शन कर सकते हो मेरा लैंड यूज करके, इसी तरह बुक मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बोला आप मेरी बुक छाप दीजिए, इसके बदले आप मेरे को रेंट दे दीजिए, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। उसको रेंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। तो कल्याणी पब्लिशर्स को सीएम जुनेजा प्रोफेसर ने राइट दिया कि आप मेरी बुक्स पब्लिश कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और जितनी आपकी बुक्स बिकेंगी उसके बदले मेरे को क्या मिलेगा? रॉयल्टी दोगे। ठीक है, अब ये राइट सिर्फ कल्याणी पब्लिशर्स के पास है। अगर मॉडर्न पब्लिशर्स सेम मैटर की बुक छाप देगा तो यू कैन स्यू दैट पर्सन इन द कोर्ट, योर कॉपीराइट इज बीइंग वायलेटेड। ठीक है, सो कॉपीराइट किसको दिया जाता है? जब भी कोई एक क्रिएटर है या कोई ऑथर है, वो एक ओरिजिनल आइडिया लेके आता है, ठीक है, कोई भी आपने म्यूजिक कंपोज किया, सॉन्ग लिखा, पोएम लिखी, स्क्रिप्ट लिखी, स्टोरी लिखी, बुक लिखी, ठीक है, उसके ऊपर, या कोई मूवी बनाई, उसके ऊपर आपको राइट, अगर आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हो तो यू विल गेट कॉपीराइट। ठीक है, ओके, सो कॉपीराइट, इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द क्रिएटर। मैंने बुक लिखी, उसके ऊपर मैंने कॉपीराइट ले लिया, इसका मतलब है कि मेरे पास एक्सक्लूसिव राइट है कि आई कैन प्रोहिबिट द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द कंटेंट। मैं अपने उस कंटेंट का अनऑथराइज्ड यूज रोक सकती हूं। अनऑथराइज्ड यूज मींस अगर मेरे बुक्स की कोई कॉपीज बना के बेच रहा है, फेक कॉपीज, आई हैव द राइट टू प्रोहिबिट दैट। बेटे आप जैसे मूवी, कोई नई मूवी आती है, अभी तो 2-3 साल हो गए हम थिएटर में जा ही नहीं रहे, सब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही आ रहा है, लेकिन 2-3 साल पीछे जाओ, कोई नई मूवी आती है, आप सारी मूवीज देखने थिएटर नहीं जाते,
आपकी कोशिश होती है कि आपको घर बैठे वो सीडी मिल जाए, होता है? और आपने कभी नोटिस किया वो जो सीडी है वो क्लियर नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो कॉपीराइट उसके ऊपर आपके पास नहीं है, किसी पर्सन ने अनऑथराइज्ड वे से उसकी कॉपी लेके या रिकॉर्डिंग करके मार्केट में बेचनी शुरू कर दी, जिसको हम पायरेसी के नाम से भी जानते हैं, है ना, पायरेटेड वीडियोस बोलते हैं ना, दिस इज हैपनिंग। एंड टू प्रोहिबिट दिस कॉपीराइट इज वेरी वेरी एसेंशियल। कॉपीराइट लेने के बाद भी ये बहुत कुछ हो रहा है, बट दिस इज इलीगल। इफ यू आर कॉट डूइंग दिस बिजनेस यू विल बी सेंट टू जेल। पता है आपको, आप किसी भी म्यूजिक की, मूवी की या इवन बुक्स की, आप अगर आप में से कोई रीडिंग का शौकीन है, एक आप नॉवेल्स या बुक्स लेते हो ओरिजिनल, है ना, जो पब्लिशर ने करी है, एक आपको मिल जाती है सस्ती, जो पेजेस जिसके ऐसे रफ से होते हैं, लेकिन आप कहते हो सेम मैटर है, हमें सस्ती मिल रही है, हम ये क्यों नहीं ले लेते। वो क्या है, वो ऐसे ही प्रिंटर्स ने पब्लिश करके बिना कॉपीराइट के मार्केट में निकाली है, ठीक है? सो ऑल राइट, Thank you.